बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बहुत देर से इंतजार। पहले तो मैं सभी जो देश के रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे समय में जब सब लोग कोरोना की वजह से सब बचना चाहते हैं, वो सब कर्मचारी और अधिकारी रेलवे की सफाई और स्वच्छता में लगे हुए हैं। मैं अपने मंत्री जी को भी बधाई देती हूँ कि आपने देश की सभी रेलवे को साफ सुथरा रखने का जो कदम उठाया है वो बहुत बहुत बधाई योग्य है। इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महोदय, जैसे कि अभी हमारे रेल मंत्री जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो रेलवे में विकास हुआ है, जो रेलवे को बढ़ावा दिया गया है, ऐसी यहाँ पर बहुत सारी बातें बताने का काम किया है। मैं भी रेलवे में यात्रा करती हूँ, बहुत जगह आना जाना होता है और आज से नहीं ऐसे 300 साल से आना जाना रेलवे में रहा है। पहले रेलवे की स्थिति क्या थी वो सभी जानते हैं, लेकिन 14 के बाद जो रेलवे में सुधार आया है, चाहे वो सफाई को ले लो, चाहे कैंटीन की व्यवस्था को ले लो, चाहे बायलेट और टॉयलेट को ले लो, सब में सुधार आया है और टाइम से भी ट्रेनें चलने का जो आज जो है पूरे देश में काम हो रहा है। महोदय, आज जो ऐसी स्थिति में हम गुजर रहे हैं वो सभी जानते हैं। पहले जब कभी रेलवे में भोजन परोसा जाता था, आता है, चाहे वो कोई भी ट्रेन ले लो, उसमें शिकायतें मिलती थी, लेकिन आज उसके लिए भी रास्ता निकाला गया है मोदी सरकार ने, हमारे रेल मंत्री जी ने, कि ऑनलाइन भी आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं अगर खाने में भी कोई शिकायत है। आज ऐसी भी सुविधा है कि अभी जब रेलवे में यात्रा करते हैं, अगर किसी को भोजन मंगाना है तो रेलवे में ऑनलाइन भी ऐसी सुविधा है। तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जब दो दो दिन का सफ़र होता है और रेलवे में ठीक से वहाँ पर खाना उपलब्ध नहीं होता है तो मन मारकर स्टेशनों पर या अंदर जो मिलने वाला खाना खाया करते थे, लेकिन आज जो है इसमें बहुत सुधार हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महोदय, ये कभी गरीबों का वाहन भी कहा जाता था और जब कभी हम पूछते थे कि जब हमारे सामने काफ़ी नज़दीक में भी रेलवे में जाना पसंद करते थे तो हमने पूछा आप बस से क्यों नहीं जाते हो, बस से भी जा सकते हो, लेकिन कहते सस्ता किराया लगता है इसलिए रेलवे का सफ़र थोड़ा आसान भी लगता है और पैसे की बचत भी होती है। महोदय, ऐसे रेलवे में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे कि स्वच्छता को लेकर आज जो स्टेशनों की जो आज हालत है आप देख ही रहे हैं कि अभी हमारे मंत्री महोदय जी ने कहा है कि वहाँ लोग सेल्फी लेकर जाते हैं, वहाँ फ़ोटो खिंचाते हैं वहाँ पर है। वास्तव में आज जो रेलवे की सुंदरता को जो निखारा है, जो बढ़ाया है, जो ध्यान दिया है, वास्तव में आज जो सेल्फी योग्य रेलवे स्टेशन बनाने का काम किया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने रेल मंत्री जी से कहूँगी कि जो रेलवे ट्रेनों में जो महिलाओं के लिए जो रिजर्व जो डब्बा होता है वो बहुत पीछे लगाया जाता है और हर ट्रेन में ऐसा ही है कि जो जनरल बोगी के डब्बे हैं वो पीछे लगाए जाते हैं। उसमें क्या है कि ट्रेन जो है रात भर किसी भी स्टेशन पर रुकती है
वहाँ कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसका मन होता है वो ट्रेन में चढ़ाता है और छेड़छाड़ की घटनाओं भी देखने को मिल जाती हैं। ये ऐसी बोगी जो महिलाओं के लिए उपलब्ध है वो बीच में लगाने का काम किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। महोदय, जो किसानों के लिए योजना तहत किसान अपने उत्पादनों को रेलगाड़ियों के जरिए बाज़ारों तक भेज सकेगी और इसके लिए ट्रेनों में एसी डब्बे लगाए हैं। हम सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का अभाव में काफ़ी सारे खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाते, और आज जो ये सुविधा करिए, जो किसानों को जो ये सुविधा दी है कि चाहे वो फूल हो चाहे वो सब्जी हो, आज जो है आसानी से वो उस तरह से जा सकती है कि जो ख़राब भी नहीं हो सकती है, और जहां उपलब्ध नहीं है ये चीज़ें वहां जाकर भी मिल सकती हैं। महोदय, जो आज जो दिल्ली से जो रेलवे रैपिड रेल जो दी है वो बहुत सराहने योग्य है कि जो मेरठ के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी, और ये जो मेरठ से जो लोग जो यहाँ एम्प्लॉय हैं या कोई बिजनेस जो रोज़गार करते हैं वो यहाँ आकर मजबूरी में दिल्ली रहते हैं, उनको बहुत सुविधा मिलेगी। रैपिड रेल जो है वो बहुत बड़ी सुविधा का कारण जो ये बनेगा, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि रैपिड रेल देने का। महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि बहुत दिनों से मांग जो मेरठ से हस्तिनापुर रेलवे लाइन की बिछाने की यहाँ मांग उठाई भी गई है सदन में भी, तो मैं उनसे कहूँगी, आग्रह करूँगी, निवेदन करूँगी आपके माध्यम से कि हमारा जैनियों के तीर्थ स्थलीय दुनिया से सब लोग आते हैं। एक मिनट, चूंकि सतीश जी का यह मेडन स्पीच था, पार्टी ने उनको 10 मिनट का समय दिया था, 5 मिनट उसमें से बचा, आपका समय खत्म हो रहा है, इसलिए वो 5 मिनट समय हमने आपको दिया। प्लीज कंक्लूड, अब मैं दूसरे स्पीकर बस मैं एक ही सेकंड में मैं रख रही हूँ अपनी बात खत्म कि वहाँ जल्दी से रेलवे स्टेशन ये बनवाए जाएं, और जो मेरठ से एक ट्रेन की मांग बहुत दिनों से चल रही है लखनऊ इलाहाबाद तक, कि वहाँ एक जो सुपरफास्ट ट्रेन चलवाने का जो काम जो है तुरंत ये कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।